सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। तुम सभी के टर्म वन खत्म हो चुका है, ठीक है। ये वीडियो क्लास 11 के लिए स्पेशली और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। मैं सभी तुम सबको पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आप सभी को अब पाइथन पढ़ाने वाला हूँ। और भैया, आप पाइथन पढ़ाएंगे, आपको भी आती है क्या? तुम्हारे टाइम पे जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन था, तब मैंने अपने टाइम पे 100 में से 96 मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है, जो कि मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। और अभी तो पेपर आपके एमसीक्यू टाइप हो रहे हैं, और मेरे टाइम पे पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड हुआ था, जो कि टर्म्स में भी डिवाइडेड नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आप सभी के लिए, अनाउंसमेंट है बेसिकली, कि जो भी टर्म टू आपका शुरू हो चुका है, ठीक है, टर्म टू की जो पाइथन है, हम पाइथन पढ़ेंगे अब, कि आपकी लैंग्वेज अब चेंज हो चुकी है, पहले C++ थी। मैं आप सभी को पाइथन पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक रुपया भी नहीं जाने वाला है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपका स्कूल का टीचर भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा। बस आपको सबसे बड़ी चीज क्या रखनी है, कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कि सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे, ठीक है, वरना आधी वीडियो देख के चले जाओगे, 20 मिनट का वीडियो मेरा 2 मिनट का देख के चले जाओगे, अरे भैया समझ में ही नहीं आया यार, समझ रहे, चल वीडियो पूरा नहीं देखोगे समझ में कैसे आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको, हाँ भैया आप कैसे हमारे टीचर अच्छा पढ़ा दोगे, हमारे से डाउट बता देते, आप बता दोगे? हाँ वही बता दूंगा, बस डाउट में पूछना होगा, कहाँ पूछना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ लिखा होगा टेलीग्राम फॉर क्लास 11 पाइथन डिस्कशन ग्रुप। उस लिंक पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम का पॉपअप आएगा, आप टेलीग्राम में जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स हम सारे डाउट्स वहीं डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ याद रख लेना कि अब टर्म टू आ चुका है, तो तुम जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, जितने तुम्हारे चैप्टर्स हैं टर्म टू के, वो सारे के सारे बेसिक हैं। किस चीज़ के लिए? सारा जो चैप्टर है वो आपका बेस होने वाला है, जो कि आपकी आगे की आने वाली प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें एक प्रोग्रामिंग का, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग का बेस क्लियर हो जाता है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी यह है कि आप 11th में हैं, आपके लिए एडवांटेज है कि आपके पास टाइम है, 11th के CS के जो बेस है वो उसको बहुत अच्छा करो, उसको जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। अगर आप आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हो कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर साइंस से कोडिंग सीखना चाहते हो आगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको लूप्स अच्छे से आ जाएंगे ना, लूप्स स्ट्रक्चर वगैरह अगर आपको बनाने आ जाएंगे ना, लूप्स को चलाने ही आ जाएगा, तो लूप्स एरे लिंक्ड लिस्ट क्यू वगैरह अगर आ जाएगा ना, तो यार आप DS में बड़ा अच्छे से पकड़ बना सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट, आप डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए। मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। चलते हैं, मिलेंगे, सीधे शुरू कर रहे हैं। आपका 25 दिसंबर से आपके वीडियोस रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगे, तब तक के लिए चलते हैं।